ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। कंवर एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 13% मतदान हुआ। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 211 पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी है। तो वोटिंग चल रही है और सुबह 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवार इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं लाइव। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल मतदान तो जारी है, किस तरह से लोगों का रुझान है, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं लोगों में? एलनाबाद उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 13% का आंकड़ा निकल कर आया है। अभी तक 13% जो वोट है वो हो चुका है। मेरे साथ पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल हैं। इस वक्त मैं डडबाकला गांव में मौजूद हूं, यहां पर भरत सिंह बेनीवाल ने अपना वोट डाला है। सर, वोट डाल दिया है आपने, तो क्या स्थिति देखते हैं सर? जो यहाँ पर जो इंतजाम किए हुए हैं सरकार के, वो कैसे हैं? आपका गाँव अति संवेदनशील में मानते हैं, तो कैसे इंतजाम है? काम और तो किसी ने किया नहीं। यहाँ स्कूल अपग्रेड कराए तो मैंने 2 बार करवाए हैं। जो काम है जो अब स्कूल बने हैं, चाहे बिजली घर बने हैं, कांग्रेस ने किए, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने यहाँ रोज आते थे, काम कुछ नहीं करते थे, मुर्गे खा के उड़ जाते थे। ये जो चुनाव हो रहा है इसकी तैयारी जो की गई है, यानी जो यहाँ पर प्रशासन के जो पुलिस के और के अधिकारी लगे हुए, कर्मचारी लगे हुए हैं, ठीक ठाक है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कभी झगड़ा नहीं होता यहाँ कर्मचारी के लिए, सबसे बढ़िया काम ये है। तो फिर अति संवेदनशील बूथ है, उस लिहाज से मतलब ये कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव मामला है यहाँ पर, इसलिए तैयारी ज्यादा? कभी गड़बड़ नहीं होती, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। आज तक यहाँ लड़की है, सर्विस करती है, यहाँ टीचर लगती है और लगती है, यहाँ रिटायरमेंट लेके जाती है, यहाँ खुश रहती है अफसर, सब दोनों परिवारों से हमारे से खुश रहते हैं। तो ये जो वोट पर आज डाले जा रहे हैं सर, मतदाताओं में आप उत्साह देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है? वैसे काम का टाइम है, लोग थोड़ा सा काम का नहीं ध्यान ज्यादा है, बाकी वोट तो पूरे डालेंगे, काम का नहीं ध्यान ज्यादा है। इस चुनाव में मुद्दा क्या रहा आपकी नजर में, कौन सा बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में जो आज? किसान का मुद्दा ज्यादा रहे, किसान आंदोलन में मुद्दा ज्यादा रहे इसका, और बाकी तो देखो विकास के लिए वोट मिलने, तो कांग्रेस ने विकास किया और तो किसी ने किया नहीं, और तो पार्टी आ रही है, बीजेपी आ रही है, इसलिए नहीं किया, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो कितने साल से चल रही है, सरसा जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वो तो सर आज लोग वोट डाल रहे हैं, 2 तारीख को नतीजे आएंगे, किसने विकास किया किसने नहीं किया वो लोग बताएंगे, लेकिन ये अभी आपकी लोगों से अपील क्या है, अपना वोट डालने का जो उनका अधिकार है वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे, ये कहेंगे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को डाले, कांग्रेस ने काम किया, 36 बिरादरी का हक मिलता है कांग्रेस की पार्टी में मिलता है, 36 बिरादरी का मान सम्मान होता है तो कांग्रेस में होता है, सबको जो हक बनता है वो हक मिलता है। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ इंतजाम जो किए हुए उससे या सरकार का जो इंतजाम की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया है एकदम, सारे इलाके में बढ़िया रहेगा, शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल थे जो डडबाकला गांव से संबंध रखते हैं, इन्होंने अपना वोट डाला है और ये कह रहे हैं कि इंतजाम जो है वो यहाँ पर सही किए हुए, लेकिन इंतजाम की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा गांव शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो रहने वाला गांव है और यहाँ पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अभी तक जो है वो इस एलनाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदान हो रहा है वो करीब 13% जो है वो मतदान हो चुका है, 13% के करीब लोग जो है वो अपना वोट डाल चुके हैं और अभी मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरे क्षेत्र में जारी है। 211 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो है वो मतदान हो रहा है। कुछ मतदाता भी जो है वो क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहा हूं जी 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 13% मतदान फिलहाल हो चुका है। आपसे पवन ये जानना चाहेंगे कि देखिए कोविड काल में मतदान हो रहा है, क्या कोविड नियमों का पालन वहां पर सही तरीके से किया जा रहा है, लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए जो एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए जो मतदान हो रहा है उस मतदान में आप जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो मतदान केंद्र के बाहर लाइन में जो है वो लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो उसके जवान तैनात किए गए हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और जिस गाँव में हम मौजूद हैं डडबाकला गाँव में वहाँ पर जो है वो अति संवेदनशील बूथ होने के चलते यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हरियाणा पुलिस की भी तैनाती की गई है। लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है, लोग जो है वो लंबी लाइनों के साथ जो है वो मतदान केंद्र के बाहर नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जो है वो कुछ लाइनें जो है वो कतारें कम हुई है क्योंकि लोग जो है वो वोट डालकर यहां से निकल रहे हैं और
खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, लोगों को खेत में निकलना है, अपना जो खेती बाड़ी से जुड़ा काम है उसको लेकर उनको जाना है। लिहाजा सुबह लंबी लाइनें थी, अभी लाइनें जो वो थोड़ी छोटी नजर आ रही है, लेकिन इंतजाम की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त 57 नंबर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ मौजूद हैं, और किस तरह से कैसी व्यवस्था है, एक एक मतदाता को अंदर जो है वो जाने दिया जा रहा है, एक एक मतदाता जो है वो अंदर जाकर अपना वोट कास्ट कर रहा है। हरियाणा पुलिस यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है, पूरे पुख्ता इंतजाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो ये जो है वो पूरा जो है वो आज एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, चूंकि यहाँ पर जो है वो आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। अभी जो है वो करीब 13-13.5% मतदान जो है वो हो चुका है, तो ये लोगों में काफी उत्साह है। देखना यही होगा कि 2 तारीख को जब नतीजे होंगे तो लोग अपना किसको समर्थन देते हैं, किसको वो अपना वोट ज्यादा करते हैं, ये नतीजे साफ करेंगे। अभी भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के विकास की दुहाई दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो मतदाताओं को फैसला करना है कि किसने काम किया है या किसने नहीं किया है, या लोग किसके साथ जाते हैं, ये लोगों को तय करना है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार, एक मतदान जो है वो गुप्त मतदान हम कहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वोट कौन कहाँ डाल रहा है ये ना हम जानना चाहते ना हम किसी से पूछेंगे, लेकिन लोगों को अपना वोट जरूर डालना चाहिए। ये अपील जनता टीवी के माध्यम से हम भी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से करेंगे कि अपना वोट जरूर डालें, कहाँ वोट डालना है, किस मुद्दे पर वोट डालना है, किसको वोट डालना है, ये उनका अधिकार है। ये गुप्त मतदान इसलिए है क्योंकि लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है, किस मुद्दे पर करना है, ये जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को तय करना है, और 2 तारीख के नतीजे जो है वो साफ करेंगे कि लोगों ने किसको अपना मैंडेट दिया है। जी, तो 13% अब तक मतदान हो चुका है और